हाउ आर यू स्टूडेंट्स? यू आर वेलकम्स टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज का आपका 11th आर्ट्स में असाइनमेंट नंबर 12 है, सब्जेक्ट हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के अंदर, 8 जुलाई 20, और टॉपिक है वारकाज हेड टेंपल एंड मारी सीढ़ी। तीन टॉपिक हम लेके चलेंगे जिनमें वारकाज हेड है, टॉप टेंपल और मारी सीढ़ी। इसके अंदर फंक्शन ऑफ द टेंपल सबसे पहला टॉपिक, यानी मंदिर के उस समय क्या क्या काम होते थे। इसमें ऑल एक्टिविटीज सेंटर, सभी तरह की गतिविधियों का केंद्र मंदिर होते थे। मंदिर के अंदर सभा को का आयोजन होता था, राजा विभिन्न तरह की, जैसे उसको कोई भी मीटिंग लेनी होती थी तो उसमें अपने दरबारियों को बुलाता था। इसके अलावा वस्तुओं की खरीद और बेचने के लिए भी मंदिरों का इस्तेमाल होता था। सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सभी तरह की गतिविधियों के लिए मंदिरों की भूमिका अहम थी। प्रिस्टली और रूलर फंक्शन, मंदिर के अंदर ही राजा अपनी नई नई नीतियाँ प्रजा के सामने रखता था। प्रजा को यह बताता था कि आपको ये नियम अपनाने हैं, ये नियम आपने निभाने हैं। उसे राजा को दो तरह के काम होते थे, एक प्रिस्टली यानी पुजारी वाला काम भी वह करता था, दूसरी तरफ रूलर शासक का काम भी वह करता था। दोनों तरह की भूमिकाएं अदा करने के लिए उसे अपने मंदिर को एक संस्था के रूप में इस्तेमाल करना पड़ता था। इसके बाद है तीसरा पॉइंट आपका, एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट वाज कंसिडर्ड ऑफ कोर्ट। जितनी भी राज्य के अंदर संपत्ति होती थी उस संपत्ति के अंदर उसका कुल मूल्य जो भी रहा हो, लेकिन पूरी संपत्ति स्टेट की मानी जाती थी और स्टेट में एक गॉड का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर शासक होता था। शासक गॉड के रिप्रेजेंटेशन के तौर पे काम करता था और उसको भगवान के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता था, यानी असल में वह एक एजेंट था जो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में जनता के सामने सुविधाएं प्रदान कराता था। गॉड वाज फोकस वर्शिप पीपल ब्रिंग थिंग्स, ईश्वर की सत्ता का केंद्र बिंदु टेंपल्स होते थे। इसके अंदर भगवान किसी भी, जैसे पूजा घर के अंदर लोग पूजा करने जाते हैं तो इसमें पूजा करने जाते थे लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, अपने साथ विभिन्न तरह की वस्तुएं चढ़ाते थे, जैसे कुछ लोग मछलियाँ, कुछ लोग मांस मदिरा, इस तरह की चीज़ें भी मंदिरों में चढ़ाई जाती थी, वस्तुएं बिकती भी थी। इसके बाद है टेंपल वाज न्यूक्लियस ऑफ पब्लिक लाइफ, यानी सार्वजनिक जीवन के अंदर जितनी भी गतिविधियाँ होती थी उन सार्वजनिक गतिविधियों का केंद्र टेम्पल्स होते थे। न्यूक्लियस होता है केंद्र, हर तरह की गतिविधि टेंपल्स के अंदर होती थी। इसके बाद है सेवरल वर्कशॉप्स एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कोई भी एक्टिविटी है वह भी मंदिरों के अंदर आयोजित की जाती थी। जैसे प्रोडक्शन के अंदर कपड़े निर्माण का काम है, या फिर विभिन्न तरह की, जैसे जो खाद्य पदार्थ हैं उनसे तेल निकालने का काम है, या फिर और खाद्य पदार्थ तैयार करने का काम है। तो जो भी इस तरह की वर्कशॉप्स होती थी जो प्रोडक्शन का काम करती थी वो इसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक थी और मंदिर इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाता था। इसके बाद ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए जितने भी जन कल्याणकारी काम होते थे आम जनता की भलाई के लिए, तो वो भी इसमें बहुत ज़्यादा मंदिर की ही भूमिका निभाई जाती थी। यानी मंदिर सार्वजनिक जीवन के अंदर एक मददगार एजेंट की भूमिका निभा रहा था, मंदिर में काम करने वाले पुजारी और राजा दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते थे, क्योंकि मंदिर की भूमिकाएं अदा करना भी उसी का काम था और राजा की भूमिका अदा करना भी उसका काम था। हमने प्रस्तर राजा की के बारे में इस तरह की जानकारी जुटाने की कोशिश की है कि सभी तरह के सार्वजनिक काम भी वही करते होंगे, सभी तरह के डिसीजन वही लिया करते थे, राजनीतिक भी, सामाजिक भी, सांस्कृतिक भी, और मंदिर के अंदर पुजारी का काम भी वही करते थे। यानी ऐसा कहा नहीं जा सकता कि राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, निश्चित नहीं किया जा सकता, लेकिन इतिहासकार इस बात का प्रमाण देते हैं कि कुछ हद तक शक्तियाँ उसके पास होती थी। ऑयल प्रेसिंग
संपीड़ित करके अनाज या खाद्य तेल जो तिलन की फसलें हैं उनसे तेल निकालना, मेटल ऑब्जेक्ट्स धातु की वस्तुएं तैयार करना, टेक्सटाइल कपड़े निर्माण का काम करना, ग्रेन ग्राइंडिंग अनाज को पीसने का काम, स्पिनिंग सूत कातने का काम और वीविंग ऊनी कपड़े को बनाने का काम, ये सभी तरह की गतिविधियाँ इस मंदिर के कैंपस में ही आयोजित होती थी। इससे पता लगता है कि सभी तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ हैं वो मंदिर के अंदर लगी होती थी और मंदिर में बहुत अधिक कमरे बने होते थे। इट प्लेड ग्रेट सिग्निफिकेंट रोल इन द मेसोपोटामिया। अब हमने कुल मिलाकर इसमें यह देखा है कि मेसोपोटामिया के अंदर मंदिर की एक बहुत बड़ी भूमिका होती थी। इसके बिना किसी भी सार्वजनिक गतिविधि को सही तरीके से संपन्न कर पाना बहुत मुश्किल था। अब इसके पास आपका टॉपिक नंबर सेकंड वारकास हेड। वारकासिस जो कि 3000 साल पहले मेसोपोटामिया के एक शहर उरूक से एक महिला के सिर की मूर्ति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनको देखने से पता चलता है कि उसको जो बनाने वाले शिल्पकार होंगे वो बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट कलाकार होंगे। उन्होंने इसे 3000 साल पहले उरूक सिटी के अंदर इसे बनाया और उसे वहीं पे स्थापित किया जो कि आधुनिक इराक के अंदर मौजूद है। ये मेसोपोटामिया सभ्यता का एक शहर, प्रमुख शहर होता था। इसकी जो बनाने की कला है उसके अंदर आँखों और आईब्रोज के अंदर जो है लैपिस लेजुली जो कि ब्लू कलर का होता था और सेल जो वाइट कलर का होता था, दोनों ही रंगों का बहुत सुंदर मिश्रण बनाया गया है। आईब्रोज को दिखाने के लिए बिटुमिन जो कि कोयले की कालीख होती है उसका इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद ग्रू ऑन द टॉप ऑफ द हेड प्रहप्स फॉर वियरिंग ऑर्नामेंट्स। एक सिर पर यानी फॉरहेड के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो कि ऐसा लगता है कि शायद किसी ऑर्नामेंट या कोई आभूषण डालने के मकसद से वो खांचा बना हुआ है। रिमार्केबल पीस ऑफ स्कल्पचर, यह जो शिल्पकला का अद्भुत नमूना वारकास हेड, वारकासिस जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में, ये सुंदरता और जीविता का एक जीवंत नमूना हमारे सामने है। बहुत ही शानदार दिखने में लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये वास्तविकता में हमारे सामने हो। इसकी आँखें, इसके गाल ऐसे लगते हैं जैसे वास्तविकता में कोई व्यक्ति सामने हो। तो इसको देखकर आधुनिक जो शिल्पकार हैं वो भी दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। तो आपके दोनों टॉपिक हैं इसमें मंदिर की सभी भूमिकाएं। आज के समय में जो मंदिर है वो हम देखते हैं कि मंदिर सिर्फ धार्मिक आयोजन का ही प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उस समय के जो मंदिर होते थे उन्होंने किस तरह के, जैसे फैक्ट्री का काम भी वही करते थे, उत्पादन इकाइयों का काम भी वही करते थे, सार्वजनिक सभा भवनों का काम भी वही करते थे और कल्चरल एक्टिविटीज़ का केंद्र बिंदु भी वही होते थे जहाँ पर नाच गाने का हर तरह का इंतज़ाम वहाँ पे होता था। वारकास हेड के अंदर हमने देखा कि वारकासिस में क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर इसकी बनावट, इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी होती थी। इससे पता लगता है कि इसके अंदर जो वारकासिस जो बनाया गया था इसके अंदर कुछ कच्चा माल बहुत दूर से भी लाया गया था, जिसको लाने में काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी होंगी, लेकिन ये लोग उत्कृष्ट नमूने को तैयार करने के लिए इस तरह का की गतिविधि को अंजाम देते थे। इसके बाद है मारी सिटी। जो मारी नगर है यह भी मेसोपोटामिया सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। मारी सिटी जो मारी नगर है इसके अंदर एक जिमरिलियम नाम के एक राजा का राजमहल है जो कि बहुत बड़ा है। उसके अंदर सड़क मार्ग, उसके अंदर बने हुए भवन बहुत ही सुंदर हैं। मारी नगर के अंदर जो उसकी बसावट है वह मेसोपोटामिया के अन्य शहरों की तरह ही है और मारी नगर उत्कृष्ट कला का नमूना है। इसमें ख़ास तौर पर यहाँ की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत है। धन्यवाद।